अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं खोए वाली कुल्फ़ी, जो बहुत ही मज़ेदार बनी है। चले आए, मैं आपको बताती हूँ इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। 1 लीटर दूध, 1 कप खोया, 1/2 कप चीनी, बादाम पिस्ते हसब ज़रूरत, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और छोटा कुमाल का डब्बा। सबसे पहले 1 लीटर दूध को हम एक देगची में डाल के अच्छी तरह पका लेंगे। दूसरी तरफ हम चीनी को मेल्ट कर लेंगे। चीनी को मेल्ट करते वक्त हम आंच बहुत आहिस्ता रखेंगे, आंच हमने तेज नहीं करनी है। अब आप ये देख सकते हैं चीनी का कलर चेंज हो रहा है। हम इसको मुस्तकिल चलाते रहेंगे, हाथ नहीं रोकेंगे, वरना ये नीचे लगना शुरू हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब भी करें। अब आप ये देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। अब हम इसको पके हुए दूध में शामिल कर देंगे। 15 से 20 मिनट हम दूध को पकाएंगे, उसके बाद हम ये दूध में शामिल करेंगे। अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता चलाएंगे। इसके बाद हम इसके अंदर बादाम पिस्ते शामिल करेंगे। अब हम इसके अंदर कुमाल शामिल करेंगे। इसको हम साथ साथ चलाते रहेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। कॉर्नफ्लोर मैंने पहले ही तैयार कर लिया है ठंडे दूध में, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर था। अब आप ये देख सकते हैं ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब हम इसके अंदर खोया डालेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह चलाते रहेंगे। अब आप इसको देख सकते हैं ये गाढ़ा हो गया है। 10 से 15 मिनट इसको पकाने के बाद हम इसको कुल्फी के स्ट्रक्चर में शामिल कर देंगे और 7 से 8 घंटे के लिए हम इसको फ्रीजर में रख देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब भी करें। सात से आठ घंटे बाद जब हमने फ्रीज़र से अपनी कुल्फ़ी निकाली तो ये इस कंडीशन में थी, जो बहुत ही मज़ेदार बनी।